Papa. Aram kar rahe? Dawai ka time hai, khali dawai aapne? Khali. Papa, आपको बात बतानी थी. मैंने एक इंटरव्यू दिया था पिछले महीने तो यूएस की कंपनी गूगल. मुझे मालूम. तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया. मतलब अच्छा पैकेज दे रहे हैं वो लोग. कह रहे कैलिफोर्निया में रहने को अपार्टमेंट भी मिलेगा. मालूम है मुझे. तेरे दोस्त ने मुझे बता दिया. उनको तुरंत ईमेल करो. वो बोलो कि तुम आ गए. तुम्हें जाना पड़ेगा. चुप करके बात सुन लो पहले मेरी. अगर तुमने कुछ भी बात की तो फिर मुझे नहीं देखोगे यहाँ पे कहीं. ऐसा क्यों? मेरे तो चुप करके बात सुन ले पहले. मैंने यहाँ पे एक वृद्ध आश्रम है उन लोगों से बात कर ली. वो कुछ 15,000 रुपया महीने का लेंगे और उनके जितने भी लोग हैं वो सब मेरा ध्यान रखेंगे. बेटा मैं तुमको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूं. इस तरह की अपॉर्चुनिटी रोज रोज नहीं मिलती. मैं कितने दिन हूं? कितने दिन? कैसी बात कर रहे हैं पापा? कुछ नहीं बेटा. मेरी बात जितनी समझने में आ रही है तुम पहले सुनते रहो. तुम चुपचाप अपने काम के लिए जाओ और जब तुम वहां पे एस्टेब्लिश हो जाओगे ना मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा. और इतने दिन के लिए मैं आपको अकेला छोड़ दूं? शांति शांति. मैं अकेला नहीं रह रहा हूं. मैं अकेला नहीं रह रहा हूं बेटा. मैं वो जो वृद्ध आश्रम में खाना खिलाते हैं उन लोगों के सेवक हैं वहां पर और बहुत ध्यान रखते हैं. डॉक्टर्स वगैरह भी आते हैं. और ये तुम निश्चिंत होके जाओ. यहां पे तो तुम सिर्फ एक इंसान हो मेरा देखभाल करने के लिए. वहां पे बहुत लोग हैं. बहुत लोग हैं. और लेते क्या हैं? मात्र 15,000 रुपए. और मेरे साथ वहां पर कौन रहेगा? तुम अकेले? नहीं. और सर तुम्हें अपना काम करना है. सारा दिन काम करोगे और रात को आके अपना थोड़ा सा जो भी और कुछ बचेगा काम तो कर. मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? इतने समय तक आपने मुझको पाला पोसा बड़ा किया पढ़ाई कराई सब कुछ कराया और अब इस समय मैं आपको छोड़ के चला जाऊं? एक बात समझ लो. पापा सुनिए ना. मैं किसी के ऊपर बोझ बन के नहीं रह सकता. क्यों आप ऐसे बोल रहे हैं? बात सुन लो बेटा. अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं कोई और गलत कदम उठा लूंगा. बात खत्म कर दूंगा. मैं मुझे अपने जीवन से भी कोई लगाव नहीं रहा. ये जब से लात और हाथ गई है मुझे अपने जीवन में अब किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं. मैं सिर्फ थोड़े दिन और जी रहा हूं केवल तुम्हारी तरक्की को देखने के लिए. नहीं ऐसा कुछ नहीं. और आपको कुछ भी नहीं होगा पापा. एक मिनट हाबी. तुम बस अपनी तुरंत पहले ईमेल करो. अगर नहीं करोगे मैं तो भी चला जाऊंगा. मैं तो भी चला जाऊंगा. ये बात समझ. पापा क्यों जिद कर रहे हैं आप? अब इससे आगे मेरे को सुनने वाला नहीं. नहीं आपको सुनना पड़ेगा. आज कैसे नहीं सुनेंगे पापा?
आप बोलते जाओ। आपने मुझको पढ़ाया लिखाया सब कुछ कराया, आपने मैं इतना काबिल बन चुका हूँ, मुझको नौकरी मिल जाएंगी एक और, मैं यहाँ पर भी नौकरी कर सकता हूँ, कोई नौकरी यहाँ पर ढूंढ लूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम जो करना करो जाओ। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मैं नहीं छोड़ सकता आपको, मैं नहीं जानने वाला कहीं पर भी आपको छोड़कर। मम्मी के जाने के बाद आप ही तो हैं मेरे, मैं आपको छोड़कर कैसे चला जाऊंगा। पापा ऐसे मत भूलिए, मैं नहीं जाने वाला कहीं पर भी नहीं जाऊंगा, चाहे जितने भी ऑफर आ जाए मैं नहीं जाने वाला। मुझको ऑफर मिल जाएगा यहाँ पर कहीं ना कहीं, मैं नौकरी कर लूंगा यहाँ पर, मुझको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, इतना काबिल हूँ। लखनऊ में रुकूंगा मैं, अच्छी नौकरी करूंगा यहाँ पर, मुझे कोई कंपनी आएगी वहां पर मिलेगी, उसके बाद 5 साल में तरक्की भी कर लूंगा और फिर हम लोग साथ में कहीं मुंबई चले जाएंगे अच्छे से। मुझे नहीं पता पापा। एक काम करो, मेरा बैग पैक करो, मैं अभी जा रहा हूँ, और तुम अगर नहीं नहीं मुझे छोड़ के आते हो तो मैं अपने आप निकल जाऊंगा। मेरे पास फोन है, मैं करता हूँ उसको फोन। नहीं कुछ पापा, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी बात अगर नहीं मानोगे तो यही होगा। पापा मैंने आज तक आपकी हर बात, आई डोंट वॉन्ट टू लिसन टू यू। तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगे मैं अभी निकल जाऊंगा, और मैं बिना कपड़ों के निकल जाऊंगा, ऐसे चले जाऊंगा अभी के अभी। ईमेल करो उसको पापा, पर तो तुम वहां से जब छुट्टी मिलेगी आ जाना मिलने के लिए, लेकिन अपना जीवन बना लो। ये जीवन आपके साथ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, पैसे की कमी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। पैसे की कमी की बात नहीं कर रहा हूं। तो फिर मैं मुझे क्यों भेज रहे हैं आप वहां पर? बस मैं चाहता हूं तुम अपना भविष्य बहुत उज्जवल बनाओ, वहां पर तुम्हें बहुत तरक्की मिलने के चांसेस है। यहाँ पे जब आप देख ही नहीं पाएंगे मेरा भविष्य उज्जवल कैसे हो रहा, तो आपको क्या मतलब? मैं खुशी से देखूंगा ना, कहाँ देख पाएंगे? अब मैं दुखी होके देख रहा हूँ, तब मैं खुश होके देखूंगा। तो मैं नहीं देख पाऊंगा ना कि आपको खुशी। अगर तुम चले जाओगे तो मैं बहुत देर तक जीऊंगा। ये नहीं पापा, जिद छोड़ दीजिए, आप क्यों ऐसी जिद कर रहे हैं? चलो मेरे को कमरे में छोड़ो, मेरा बैग उठाओ। पापा सुनिए ना, मैं यहाँ पर नौकरी करूंगा और मेरे को कुछ नहीं सुनना है, मुझे कमरे में ले चलो। पापा सुनिए, तो मैं नौकरी यहाँ पर करूंगा। मैं सुन लो मेरी बात, मैं मेरा सामान अभी पैक करो, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो, और मैं तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं। पापा क्यों चीजित कर रहे हैं? मैं बोल तो रहा हूँ, मैं आप कमा दिया सब कुछ कर लूंगा ना, हम लोग साथ में जाएंगे। करना जो करना होगा मेरे जाने के बाद। साथ में मकान मिलेंगे, वहां पर आएंगे ना। मेरे जाने के बाद करना। आप क्यों जाएंगे? आप नहीं जाने वाले पापा। तू अगर मेरी बात नहीं मानता है तो मैं जा रहा हूँ, बस नहीं जाएंगे। नहीं मैं नहीं सुनने वाला, मैं नहीं जाने वाला कहीं पर। बड़े बजाओ उधर, मेरे को कमरे में लेके चल, जल्दी से लेके चलो, मेरे को जाना, बस अभी के अभी निकलना है मुझे। मेरा मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। नहीं पापा, या तो बोल तू जा रहा है या फिर मैं निकल रहा हूँ। पापा नहीं, नहीं आप नहीं जा सकते। मैं जा ही रहा हूँ, मेरे को कोई नहीं रोक सकता है, पकड़ अच्छी तरह। पापा नहीं जाएंगे आप, बस बहुत हो गया पापा, क्यों आप जिद कर रहे हैं? आप नहीं, इससे ज्यादा नहीं होगा, इस कमरे में ले चलो। क्या बस अब इससे ज्यादा मेरे साथ बात नहीं करना, तुम नहीं जाओगे मत जाओ, तुम्हारी इच्छा बस।